दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। तो मौसम विभाग ने लेटेस्ट अपडेट जारी किया है, क्षेत्रों में जारी हुआ है अलर्ट मौसम में खराब का सिस्टम और भारी बारिश के साथ तूफानी चक्रवात का। भाई जान लेते हैं कहाँ कहाँ अलर्ट जारी हुआ है थोड़ा विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा आप अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहें आप सभी खबरों से। दोस्तों हिमाचल में रविवार को भले ही धूप खिल रही हो लेकिन सोमवार से फिर मौसम खराब होने जा रहा है। 4 से 9 फरवरी तक पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। मौसम विभाग ने 7 फरवरी को मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश व बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी है। ये दोस्तों 4 से 9 फरवरी अलर्ट जारी हुआ है खास करके हिमाचल प्रदेश में। सोमवार को मौसम साफ रहने से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 और अधिकतम में 4 डिग्री तक उछाल आया है। चटक धूप खिलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली, हालांकि केलांग का न्यूनतम पारा अभी भी -15 डिग्री पर चल रहा है। दोस्तों प्रदेश में भारी बर्फबारी से अभी भी दुश्वारियां कम नहीं हुई है। विभिन्न इलाकों में अभी भी 316 सड़कें बहाल नहीं हो पाई है। 200 ग्रामीण बस रूट जो है अभी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं लाहौल चंबा और किन्नौर के ऊपरी क्षेत्रों में हिमखंड का खतरा बरकरार है। जिला प्रशासन ने लोगों को संवेदनशील स्थानों में रहने की सलाह दी है और सतर्क रहने के लिए कहा है। यदि हम तापमान की बात करें तो केलंगा में न्यूनतम तापमान -15 है और कल्पा में 7.4 माइनस में दोस्तों, शिमला में 3.3 और धर्मशाला में 3.6। तो मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट है खास करके हिमाचल वासियों के लिए। सतर्क रहे सावधान रहे 4 से 9 फरवरी। तो ऐसा लेटेस्ट अपडेट, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जैसे शेयर करें लाइक करें, सुझाव हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।